पेपर दे देगा हो सकता है नाइन्टी नाइन ले आए हमारे साथ मीटअप में थे लोग जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया और उनकी नाइनटी नाइन आई थी yeah. फिर मेरे जैसे लोग होते हैं जो चार महीने लगाते हैं बहुत मेहनत करते हैं उनकी आ जाती है कुछ लोग होते हैं जो एक साल लगाते हैं और फिर आती है इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर तुमने अभी तक लाइफ में क्या किया हुआ है पर एक साल सफिशियंट टाइम फॉर एनी वन नो मैटर द बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम एक साल इज गुड इनफ टू गेट यू गेट टू

के लिए तैयार नहीं हो सकते जो पेपर आपके ऊपर फेंकने वाला है आप बैठ के एस तो पढ़नी है वो डेली पढ़ने जो आप भी कहते रहते हो पर अभी शुरू करते वक्त ठीक है कि दस पैरा जम्बल किए दस समरी कर लिए पर जब आप अप्रोच करने लगोगे ना पेपर को तो आपको वो दस दस से काम नहीं चलेगा आपको देखना है कि पेपर में क्या हो रहा है और क्या आपका दिमाग वो जो तीन पैरा पैराजल आ रहे हैं उनमें से दो सही कर पा रहे हैं और वो सिर्फ सेक्शनल से ही हो पाएगा तो अभी किसी का क्वेश्चन है कि सेक्शनल कब देना चाहिए सेक्शनल तब देना चाहिए जब आपको लगे कि आप तैयार हो गए आपने मान लो पचास पैराजंबल जंबल पचास पैरासबली कर लिया आपको इतना लगता है कि आपको पता है कि पैराजंबल कैसे सॉल्व होता है आप बैठ के सेक्शनल दे दो सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट अपने आप को चेक करने के लिए नहीं होता है वो अपनी प्रिपरेशन का ही एक पार्ट ही होता है वो आप बैठ के ये मत सोचो कि मेरे मॉक में नाइन्टी नाइन आ रहे हैं तो मेरे पेपर में नाइन्टी नाइन आ या मेरे मॉक में 98 आ रहे हैं तो मेरे पेपर में 98 आएंगे वो आपकी प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है कि आप एग्जाम एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल करोगे आप एग्जाम पैटर्न को कैसे हैंडल करोगे डूइंग 20 पैरा जंबल सेट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगर आप टाइमड एनवायरनमेंट में नहीं कर रहे हो क्योंकि पेपर में टाइम प्रेशर होगा और वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैट पेपर बहुत इजी होता है